बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं शेयर करूंगा वन डे प्लान फॉर 85 नंबर केमिस्ट्री। ठीक है, अगर पूरा साल नहीं पढ़ा, सिर्फ जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, पेपर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, सिर्फ इसे आपने याद कर जाना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का 100% पेपर डन हो जाएगा। बेशक आप लोग इस चीज़ को आजमा के देख लें, लेकिन पहली शर्त यह है कि जो चीज़ें बताऊँगा उसको फॉलो करना है, फिर आगे बढ़ते हैं जी। तो वन डे प्लान है, डे आप लोगों का तकरीबन एक ही जाएगा, इक्वल होगा 85 मार्क्स के। केमिस्ट्री में नंबर लेना बहुत आसान है, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है। सो आगे बढ़ते हैं जी, पहले चीज़ें समझ लें। ठीक है, वन डे प्लान के अंदर है क्या क्या। ठीक है, वन डे प्लान टू गेट 100% मार्क्स, क्या जी ऑब्जेक्टिव MCQs अब कहाँ से आने हैं, आपने पहले याद नहीं किया, कोई बात नहीं है, खैर है, अभी मैं आपको बताता हूँ अभी आपने कहाँ से याद करने हैं। 50% फ्रॉम बुक एक्सरसाइज से आते हैं, जो आपकी किताब के अंदर मशकों के MCQs दिए हुए हैं, सबसे पहले आपने अभी वो याद कर लेने, इस वीडियो को देखने के बाद 50% गैस में से आएंगे। अब गैस का आपको कहाँ पे मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 113 शॉर्ट सवाल आपने याद करने हैं, 100% गारंटी दे रहा हूँ, इसी में से आप लोगों के इंशाल्लाह ताला सारे सवाल आ जाएंगे। छोटे छोटे सवाल हैं, इन्हीं के आंसर आपने याद करने हैं। चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा, आप ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ओनली पासिंग, सिर्फ अगर आप पास होना चाह रहे हैं, 50 के नंबर लेना चाह रहे हैं, 3 चैप्टर तैयार कर रहे हैं आपने, आप कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, तीसरा और छठवां चैप्टर, या तो छठवें की जगह आप लोग सातवां कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर तैयार करने हैं और सारे चैप्टरों के MCQs तैयार कर लेने हैं। 100% आप लोगों का पेपर जो है वो ओके हो जाएगा और यही पेपर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से पूछा जाएगा। सिर्फ अगर आप लोग पासिंग मार्क्स लेना चाह रहे हैं 50+, टू गेट 70+ मार्क्स, अगर आप लोग 70+ नंबर लेना चाह रहे हैं तो कोई भी पास्ट पेपर ले लेना अपने 5 साल जो होता है उसके अंदर, सबसे पहले जितने भी शोर सवाल आते हैं वो सारे याद कर लेने। अगर आप पंजाब बोर्ड के अंदर, सिर्फ 9 पेपर होंगे वहां पे, ठीक है, तो सारे शोर सवाल याद कर लेने और लॉन्ग सवाल को आपने देख लेना है, तो आप लोग 70+ नंबर ले सकते हैं। ये प्लान मैं बता रहा हूँ, सारा कुछ हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, हमने खुद ये चीज़ें ट्राई की हुई हैं जब हम लोग आप कॉलेज लाइफ के अंदर थे। न्यूमेरिकल सिर्फ आपको 13 बताऊंगा, ठीक है, 2 लॉन्ग के अंदर आते हैं, बाकी 3-4 शॉर्ट के अंदर आते हैं, सिर्फ 13 न्यूमेरिकल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाह तो आप लोगों का सारा न्यूमेरिकल का पोर्शन उसी में से आ जाएगा। सो लॉन्ग क्वेश्चन आप कहाँ से करने हैं जी, फ्रॉम गैस पेपर ओनली, 0% इंपॉर्टेंट। अब कौन सी चीज़ आपने नहीं करनी ये मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को कर लेंगे और भाई टाइम्स आया, सारे टाइम्स आया, कुछ नहीं आता इनमें से। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सिंपल सी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल सेलेक्ट करें, फिर आए वीडियोज़ के अंदर, वीडियोज़ के अंदर यहाँ पे देखें केमिस्ट्री का पेपर जो है बाकायदा मैंने अपलोड कर दिया है। सो यहाँ से आपने वीडियो को लाइक करना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोग कहें ना अभी क्या सिलसिला कर रहा है सारा। इस पेपर को भी याद कर लेना लाजमी तौर पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बोर्ड का पेपर पैटर्न होता है और 9th को पेपर करवाए हैं मैंने, 10th को करवाए हैं, 2nd ईयर को करवाए हैं, जो पेपर मैंने अपलोड किया था कुछ बोर्ड्स के अंदर 50-60 नंबर का भी आ जाता है, कुछ बोर्ड के अंदर इससे ज़्यादा भी आ जाता है, कुछ बोर्ड के अंदर को 20-30 नंबर का भी आता है। ठीक है, इसी तरीके से पेयरिंग स्कीम मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, और बुक से क्या करना है वो भी बता दिया है। पेयरिंग स्कीम आपने लाजमी तैयार कर लेनी है, क्योंकि अगर जिस बच्चे को ये चीज़ नहीं पता कि हमने कितने चैप्टर करने हैं कितने छोड़ रहे हैं तो वो बच्चा क्या ही नंबर लेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लाजमी फॉलो करना, वही मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, वीडियो को लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट तक भी पहुँच जाती है। सो जी आगे बढ़ते हैं, अब 2022 कि जितने भी पास्ट पेपर हैं आपने नहीं करने। ठीक है, अगर आप फैसलाबाद बोर्ड के अंदर 2022 के फैसलाबाद बोर्ड में जो क्वेश्चन आए होंगे वो 2023 में या अगले साल नहीं पूछे जाते, पिछले साल के पेपर में जो चीज़ आती है वो अगले साल नहीं पूछी जाती। आपने 2 पेपर दे रहे हैं, बेशक पिछला पेपर 2022 का निकाल के उर्दू का या अपना इंग्लिश का मैच कर लें, 1% पेपर भी पिछले साल वाला नहीं आता। ठीक है, मोस्टली ये फर्स्ट टाइम के लिए होता है, सेकंड टाइम में कोई 5-10% चांस होता है कि क्वेश्चन एडवाइस हो जाए। सो अब चलते हैं जी शोर क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने आपको बताया था ये वाले। ठीक है, सो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान रखना, शोर क्वेश्चन पहले चैप्टर में से आप लोगों ने ये वाले करने हैं। हाउ N2 and Cu हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन, नॉन इंडिविजुअल नियोन एटम इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज अ मास ऑफ 20.18 AM यू जस्टिफाई, एटॉमिक मासेस आर इन फ्रैक्शन जस्टिफाई, हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड।
इसी तरीके से वाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज टू बी ओबेड ड्यूरिंग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस एक्सप्लेन, वन मोल ऑफ H2SO4 should completely react with the 2 moles of NaOH. How does Avogadro numbers help us to explain it? Calculate the mass of 5.136 moles of Ag2CO3. What are molecular signs? How they are formed? Give their application. How the efficiency of chemical reaction is determined? ये पहले चैप्टर में से है, इसी तरीके से ये दूसरे चैप्टर में से आगे बता देते हैं ये आपको. Why NaCl cannot be purified by crystallization? How crystals are dried, vacuum desiccated in safe and reliable method? How colored impurities are removed? Give use of chromatography. Differentiate between adsorption and partition chromatography. दूसरे चैप्टर में से लोगों को नहीं आता लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आता है, ठीक है. Define sublimation. Why concentrated HCl and KMnO4 cannot be filtered by Gauss crucible? तो ये आपने दूसरे चैप्टर के कर लेने हैं यहाँ तक. फिर उसके बाद है तीसरा चैप्टर. Gases have behaviorally low pressure and high temperature. Explain. Calculate value of R in SI unit. Water vapors do not behave at 273 Kelvin. Why? What is the significance of van der Waals constant? Differentiate between diffusion and effusion. Do you think that some of postulates of kinetic molecular theory are faulty? Why? Okay. Differentiate between natural and artificial plasma. How plasma is formed? Explain the applications of Dalton law in expedition. ठीक है. तो इसी तरीके से ये चौथा चैप्टर है, आपने पढ़ लेने चौथे चैप्टर के. और इसी तरीके से ये पांचवें, ठीक है. अब चलते हैं जी नेक्स्ट. हम लोग ये पांचवें के बाकी सवाल आते हैं, सारे सवाल ही मैं पढ़ूंगा. इनके स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों और स्क्रीनशॉट करके जो इनको याद करना स्टार्ट कर दो. ये 100% इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह ताला लाजमी पूछे जाएंगे. ठीक है. पहली शर्त मैंने आपको पहले बताई थी, याद करने हैं आपने, ठीक है. फिर ये आपको एडवांटेज होगा. सो इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 के हैं जी ये सवाल आते, ठीक है. चैप्टर नंबर 7 है ये सवाल आते हैं. लाजमी तौर पर इनको याद करना है. चैप्टर वाइज आपके लिए रेंज किए गए हैं ताकि आप बच्चे बहुत अच्छे नंबर ले लें, आपको परेशानी ना हो ढूंढने में, ठीक है. ये अभी रात के 1:30 बज रहा है, ठीक है. तो अभी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और अपलोड करके सुनूंगा. इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए सिर्फ ताकि आप लोग पास हो जाएँ, अच्छे नंबर ले लें, बस इतनी हमें होता है, ठीक है. इसी तरीके से ये वाला है जी 8वें के, इसी तरीके से 9वें के ये वाले, ठीक है. पेपर देखो छोड़ने से बेहतर है, पूरा साल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, सिर्फ इसको तो याद कर लो ना, इतना तो याद कर सकते हो ना, ठीक है. 2-3 घंटे भी इनफ होते हैं पढ़ने के लिए, अगर दिल लगा के पढ़ा जाए, अगर मोटिवेशन हो ना बंदे के अंदर, मैंने पेपर करके आना है, पेपर फोड़ के आना पूरे का पूरा भाई, फुल पेपर करके आना, बंदे 2-3 घंटे भी पढ़े हो जाते हैं ज़रा, ठीक है. इसी तरीके से 11वें चैप्टर है, ठीक है. तो भाई ये आपके शॉर्ट सवाल हो गए. अब चलते हैं जी लॉन्ग सवाल, ठीक है. लॉन्ग सवाल की 3 कैटेगरी हैं, जिनके आगे ए लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके आगे बी लिखा हुआ है वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, जिनके आगे सी लिखा हुआ है उससे सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो चैप्टर नंबर 1 में से ये लॉन्ग सवाल आते हैं, ए बी का मैंने आपको बता दिया. इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 के फिर आपने ये करने हैं. जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से मोस्टली जो है वो न्यूमेरिकल आने के चांस है इस दफ़ा, ठीक है. फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा वो बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ वाला सारा पोर्शन, ठीक है. इसी तरीके से चैप्टर नंबर 5 में से ये वाले लॉन्ग आएंगे, ए बी सी मैंने अरेंज कर दी है आपको, ठीक है. इसी तरह चैप्टर नंबर 6 में से ये लॉन्ग आ सकते हैं. मैंने आपको बताया था लॉन्ग सिर्फ 6 चैप्टरों के आपने तैयार करने हैं, ये सारे चैप्टरों के दिए हैं, सिर्फ 6 के तैयार कर लेने हैं आपने. इसी तरीके चैप्टर नंबर 6 के हैं ये सारे, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 के करने हैं, फिर चैप्टर नंबर 10 और फिर है जी चैप्टर नंबर 11 आप लोगों का, ठीक है. अब मैं करते हैं जी न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल पहले चैप्टर में से है, तीसरे में से है, इसी तरह एक आधा और चैप्टर है 7 में से भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है. तो आपने ये जो 13 न्यूमेरिकल है ना, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना, इनका स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है. मैं इनको जूम आउट कर देता हूँ, इनको आपने बुक से ढूंढ लेने या ढूंढ के जो है इनको रिवाइज कर लेना है. इंशाल्लाह ताला जिस बच्चे ने इस हिसाब से तैयारी की ना 100% उसके नंबर बेहतर आ जाएंगे. लेकिन बच्चों मेहनत लाजमी है, ठीक है. मेहनत करना लाजमी है. सॉरी, अल्लाह पाक आप सबको ढेरों कामयाबियाँ दे और अल्लाह करे आप सभी का ये वाला पेपर बहुत अच्छा अच्छा हो जाए और आसान पेपर आए इंशाल्लाह ताला. अगर मेरा अल्लाह चाहेगा और आप लोग मेहनत करें तो आपके लिए पेपर आसान होगा. सो अगर वीडियो पसंद आई है लाजमी तौर पे यहाँ से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों से मिस ना हो. इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ MCQs शेयर हो जाएंगे, क्योंकि MCQs मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किए. तो लाजमी तौर पर नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिएगा. आपकी कितनी तैयारी हो गई है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन खुदा हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.